बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अभी हमारे सिलेबस में एक ही एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज अभी सिलेबस में नहीं है, राइट। फर्स्ट एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 10 क्वेश्चन है और सिंपल से क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक्सरसाइज पुरानी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें 12.1 है, नई बुक में शायद कोई डिफरेंट एक्सरसाइज होगी, 10.1 या 11.1 हो सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। क्वेश्चन वन हमें गिवन है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x plus 4y, सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट हमें क्या गिवन है, सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट x plus y is less than equal to 4 एंड x greater than equal to 0, y greater than or equal to 0। ये प्रॉब्लम हमें गिवन है, इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, मैक्सिमाइज करना है जेड को, एंड जेड हमें दिया हुआ है 3x plus 4y। साथ में हमें कंडीशन दी है कि x plus y must be less than 4, x must be greater than 0, y must be greater than 0, राइट। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट की फंक्शन आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि हमें किस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। वो हमारा फंक्शन है जेड, 3x plus 4y, राइट। साथ में हमें दो कंस्टेंट गिवन है, कंस्टेंट्स क्या है, कंस्टेंट्स हमें गिवन है x plus y less than or equal to 4, x greater than 0 and y greater than 0, करेक्ट। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना, मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को। यहां पर जो कंस्टेंट्स गिवन है उससे हम एक इक्वेशन कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन, लेट x plus y is equal to 4। इसके लिए टेबल बनाएंगे ताकि हम इस लाइन को ड्रॉ कर सके, x y, x को यहां पर हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y हमारा होगा 4, y को अगर 0 डालते हैं, सॉरी y को अगर 0 डालते हैं तो x आएगा 4, x को आपने यहां पर 0 पुट किया y आ गया 4, y को 0 पुट किया x आ गया 4, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, x plus y is equal to 4, इस इक्वेशन को आप पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लीजिए। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है, x upon 4, 4 को लेफ्ट साइड में ले आओ, y upon 4 is equal to 1, ये हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई, ठीक है। और हमने लास्ट ईयर जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि x upon a plus y upon a, x upon x intercept y upon y intercept is equal to 1, लाइन क्या कैसे बनती है, x upon x intercept, जैसे यहां पर x के डिनोमिनेटर में क्या है 4, इसका मतलब है इस लाइन ने x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट किया है, 4 के इक्वल, एंड इस लाइन ने y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट किया है वो भी हमारा 4 के इक्वल है। सो दिस इज 4, सो लाइन इस टाइप से होगी, दिस लाइन इज मेकिंग इंटरसेप्ट 4 ऑन x एंड y बोथ एक्सिस, सो दिस इज लाइन x plus y is equal to 4। अदरवाइज आप इन पॉइंट्स को, इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके भी लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो। कैसे करेंगे, x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट क्या है, 0, 0, 4, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 0, दिस इज ए, दिस इज बी, राइट। तो आप किसी भी तरह से लाइन की इक्वेशन आपके पास है, किसी भी तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आगे चलते हैं, साथ में हमें गिवन है x greater than 0 एंड y also greater than 0, एंड हम जानते हैं x greater than 0 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, x greater than 0 होता है y एक्सिस के
राइट हैंड साइड पे, एंड वाई ग्रेटर देन जीरो कहां होता है, वाई ग्रेटर देन जीरो होता है ओरिजिन से ऊपर की तरफ अपवर्ड साइड में, ठीक है। अब हमें एक चीज और चेक करनी है, ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, इस लाइन ने एक ये अपर प्लेन बना दिया, एक लोअर प्लेन बना दिया, सम पॉइंट्स आर ऑन द लाइन, थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला रीजन कौन सा होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए एक ऐसा पॉइंट लेना है जो हमें इस जो पॉइंट इस लाइन पे नहीं हो, कैसा पॉइंट लेना है जो पॉइंट इस लाइन पे नहीं हो। बच्चे गलती क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जो लाइन के ऊपर होता है, फिर कहते हैं कि हमारा डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कौन सा रीजन फिजिबल रीजन होगा, ठीक है। तो क्या करना है, पॉइंट ऐसा लेना है जो लाइन के ऊपर नहीं हो। अगर ऐसा पॉइंट आप लेते हैं, और इजिएस्ट होता है अगर ओरिजिन लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा तो आप ओरिजिन ले लीजिए, ये इजिएस्ट होता है कैलकुलेशन के लिए। सो जीरो जीरो को आप इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, यहां पर पुट नहीं करना है आपको, यहां से कुछ डिसाइड नहीं हो पाएगा, आपको पुट करना है इनइक्वालिटी में, इन इक्वेशन में आपको पुट करना है। अगर आप यहां पर एक्स और वाई को जीरो डालेंगे तो देखिए जीरो प्लस जीरो इज लेस देन फोर, क्या आ रहा है, जीरो इज लेस देन फोर, जीरो इज लेस देन फोर, क्या ये सेटिस्फाई नहीं है, यस बिल्कुल सेटिस्फाइड है, जीरो फोर से छोटा होता है। तो हमने एक पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया, कौन सा पॉइंट, ओरिजिन, और ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला रीजन होगा वो ओरिजिन के साइड में होगा। अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता तो जिस रीजन के पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे वो दूसरी साइड पे होते, राइट। लेकिन फिलहाल जो पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कौन से साइड के पॉइंट्स होंगे, ओरिजिन की साइड वाले पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ये रीजन हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होगा। अब क्या करते हैं, अब आपको देखना है कॉमन रीजन, हमने देखा वाई एक्सिस से राइट साइड, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ, एंड इस लाइन से इस तरफ, ये हमारा कॉमन रीजन बन रहा है। तो ये कॉमन रीजन कैसे बन सकता है, ये जो मैं रीजन शेड कर रहा हूं ये रीजन हमारा सब इनइक्वालिटी को, सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये एक रीजन आ गया जिसे हम कहेंगे फिजिबल रीजन, राइट। नाउ इस फिजिबल रीजन के थ्री कॉर्नर पॉइंट हैं, ओरिजिन जीरो जीरो, ए पॉइंट जीरो कॉमा फोर, बी पॉइंट फोर कॉमा जीरो। इन कॉर्नर पॉइंट पे आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड की वैल्यू चेक करनी है। तो यहां पर आप एक टेबल बनाएंगे, कॉर्नर पॉइंट टेबल, कॉर्नर पॉइंट टेबल, ठीक है। देखिए जरा कॉर्नर पॉइंट आपके क्या आए हैं, कॉर्नर पॉइंट वैल्यू ऑफ जेड कॉर्नर पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा जीरो जीरो है, ओरिजिन जीरो जीरो, सेकेंड पॉइंट हमारा ए है जीरो कॉमा फोर, थर्ड पॉइंट हमारा फोर कॉमा जीरो, करेक्ट। ये पॉइंट्स हो गए। जीरो जीरो पे जेड की वैल्यू देखिए, जेड की वैल्यू कितनी है, थ्री एक्स प्लस, लिख लीजिए यहां पर थ्री एक्स प्लस फोर वाई, राइट। सॉरी, x को आप जीरो डालेंगे, y को भी जीरो डालेंगे, तो ये क्या, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। x को अगर आप फोर पुट करते हैं, y को फोर पुट, x को जीरो पुट करते हैं, y को फोर पुट करते हैं, तो ये हो गया जीरो प्लस फोर, यहां डालेंगे सिक्सटीन हो गया, जीरो प्लस सिक्सटीन आ गया, दैट इज सिक्सटीन। अगर फोर जीरो डालते हैं, x को फोर डालना है, y को जीरो डालना है, तो ये आपका हो जाएगा फोर थ्री जाए ट्वेल्व प्लस जीरो, ठीक है, ट्वेल्व प्लस जीरो, दैट इज ट्वेल्व, ये हमारा आया था 60। अब इसमें आप देखिए कि कौन सी वैल्यू हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन को देखिए दोबारा, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू दिस, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या है, दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज दिस, ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम है, राइट। सो क्या लिखेंगे,
z is maximum, z is, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितनी है, 16 है, 16 एट एट किस पॉइंट पे है, 0.4, 0.4, और इसके बजाय आप कह सकते हैं और एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 4, इस पॉइंट पे x और y की इस वैल्यू के लिए आपके z की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, करेक्ट। लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, देखो जरा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है z इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y, z इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y, एंड सेकेंड एंड सब्जेक्टेड टू, दो कंडीशन हमें दी है रिस्ट्रिक्शंस, सब्जेक्टेड टू कंडीशन x प्लस 2y, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8, लेस देन और इक्वल टू 8, एंड 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, y greater than 0, ठीक है, क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं, z is equal to minus of 3x plus 4y and 3x plus 2, x plus 2y less than equal to 8, एक restriction दी हुई हमें, constants दिए हुए हैं, 3x plus 2y less than equal to 12, x less greater than equal to 0, y greater than 0, equal to 0, ये condition हमें दी हुई है, तो सबसे पहले आप इनको, इन equations को, इन inequalities को देखिए, पहली इनइक्वलिटी क्या है हमारी, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, सेकंड इनइक्वलिटी क्या है, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 हमें साइमल्टेनियसली गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनसे इक्वेशंस बनाएंगे, सो लेट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, एक इक्वेशन हमारी यहां से बनती है, इसके लिए टेबल बना लीजिए। अब अगर आप x को जीरो डालते हैं, x को अगर आप जीरो डालेंगे तो y क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी 4, y को जीरो डालते हैं तो x क्या आएगा, 8, ठीक है। अब सेकंड इनइक्वालिटी के लिए भी हम इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं, x y, x को 0 डाला, y क्या आ गया, 6, y को 0 डाल दीजिए, x क्या आएगा, 4, राइट, दोनों के लिए टेबल बन गई। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ये हमारे होंगे x एक्सिस और y एक्सिस, x फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0.4, यानी कि x 0 और y 4, तो x 0 y 4 पॉइंट कहां पर होगा, y एक्सिस पे होगा, 1, 2, 3, 4, this point is 0.4, suppose this is a point, second point हमें दिया हुआ है 8.0, 8.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, this point is 8.0, correct, इन दोनों को join करते हैं, पहले इन दोनों को join कर लेना, otherwise आपको confusion क्या होगा, कि कौन सा point कौन सी line का था, ये confusion होगा, तो बेटर है पहले आप इस लाइन को कंप्लीटली ड्रॉ कर लें, ये आ गया, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है साइड से कट रहा है, बट नहीं, ठीक है, ऑलराइट। अब क्या करेंगे, यहां पर साथ में लिख भी दीजिए कि कौन सी लाइन है, ये लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, लाइन जो होती है वो इक्वल टू के लिए होती है, ग्रेटर देन या लेस देन के लिए लाइन नहीं होती है, लाइन के लिए आप क्या लिखेंगे, x plus 2y is equal to 8, line के लिए लिखना है। अब second को देखते हैं, x 0, y 6, x 0, x क्या है, 0, x हमारा 0 है, y क्या है, 6, x हो गया 0, y 6 हो गया, तो 5, 6, I think ये point होना चाहिए, 0.6, right, इसको हमने B point कह दिया, तो इसको कह देते हैं C point,
ये हमारा सी पॉइंट है, 0.6 दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4.0, 1, 2, 3, 4 दिस पॉइंट, 4.0, 4.0 कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। सो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, राइट। अब देखो, एक तो यहां पर आपको पिछले क्वेश्चन में जैसे नहीं था, एक सिंगल लाइन थी, लेकिन यहां पर दो लाइन है, इन लाइन ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ये पॉइंट भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। चलो वो तो बाद में फाइंड करेंगे, या पहले फाइंड कर लेते हैं। देखो जरा, तो ये पॉइंट आप या तो आपने आपके ग्राफ पे अगर एक्यूरेट पॉइंट आता है वहां से आप फाइंड कर सकते हैं। आप एग्जाम में ये क्वेश्चन, आप ग्राफ, ये जो ग्राफ बनाया है हमने साइड में, ये ग्राफ पेपर पे आपको बनाना है। सो अगर आपके ग्राफ में एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये पॉइंट क्या आ रहा है, तो या तो आप ग्राफ से इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, जो भी आता है। बट ग्राफ से देखने के बाद एक काम जरूर करना, आपको वेरीफाई करना है कि आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं ये सही भी है कि नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को इन दोनों इक्वेशन में डाल के देखिए, और ये पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपका ये पॉइंट गलत मार्क किया आपने। तो ये अगर आप विदाउट सॉल्विंग ये पॉइंट लिखते हो ग्राफ को देख के, तो फिर आपको ये पॉइंट दोनों इक्वेशंस में डाल के चेक करना है, वेरीफाई करना है, दोनों को सेटिस्फाई करें तभी ये पॉइंट सही होगा, अदरवाइज ये पॉइंट सही नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ग्राफ ऐसी जगह कट करता है कि पता ही नहीं लग पाता कि पॉइंट क्या है, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में देखना क्या करना पड़ेगा हमें, देखते हैं। चलो फिर सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन, जिसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन वन, एंड इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन टू। एक को मैंने इक्वेशन बोल दिया वन, एक को इक्वेशन बोल दिया टू। नाउ सॉल्विंग वन एंड टू, अगर आप वन और टू को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग वन एंड टू, वन और टू को सॉल्व करते हैं, सो दोनों में वाई का कोएफिशिएंट पहले से इक्वल है। क्लास टेंथ में आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, उसी टाइप से सॉल्व करना है। सो x plus 2y इज इक्वल टू क्या है 8, एंड 3x plus 2y इज इक्वल टू क्या है 12। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस 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 कट हो गया, और इधर क्या बचा, माइनस ऑफ 2x, इधर क्या बचेगा -4। सो x आ गया बच्चों 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 2 को किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, जैसे यहां डाल दिया 2 2 4, तो 4 उधर जाएगा, सॉरी x की वैल्यू 2 डालनी है, ठीक है। x को 2 डालेंगे, 2 उधर जाएगा, तो यहां 6 हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी हमारी 3। इसके लिए आपको बहुत कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में लिख दीजिए y = आपका क्या आया, y आपका 3 आ गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ग्राफ से भी लग रहा है कि ये 0.23 हो सकता है, तो ये हमारा हो गया 2.3। तो हमने नाम दिया था ए बी सी, इसको कह देते हैं डी, और ये हमारा आ गया ई पॉइंट, करेक्ट। अब क्या करें, अब हमें देखना है कि हमारी इन इक्वलिटीज को सेटिस्फाई करने वाला रीजन कौन से साइड पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो व्हाइट वाली लाइन है, ये थी हमारी, मैं लिखना भूल गया हूं, 3x plus, आप मत भूल जाना, this is equal to 12, okay, so, एक फिर से भाई, ये देखना है कि इन लाइन के कौन सी साइड पे रीजन लाई करेगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट लेंगे which is not on the line, करेक्ट, ये याद रखना है, पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, पॉइंट लाइन पे नहीं है तो फिर से सबसे इजी पॉइंट क्या होता है, 0 0। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 0 0 ही लेना है, बट कैलकुलेशन के लिए 0 0 इजी होता है, इसलिए 0 0 ले लेते हैं, ठीक है। और अगर लाइन के ऊपर नहीं है तो कोई ना कोई पॉइंट तो लेना ही है ना आपने, तो फिर ऐसा पॉइंट लेते हैं जिसकी कैलकुलेशन सिंपल हो, तो ठीक है 0 0 ले लेते हैं। 0 0 को हम सबसे पहले डालेंगे इस इनइक्वालिटी में डालते हैं, ठीक है। इसमें डाला 0 + 0 < 8, यस सेटिस्फाइड है, 0 + 0 = 8। इस पॉइंट ने इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनइक्वालिटी थी उसको सेटिस्फाई किया है। देखो यहां से 0 < 8, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इस लाइन से जो लोअर साइड के पॉइंट है वो एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। इस लाइन से नीचे की तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे ओरिजिन की साइड में, जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो ये वाला रीजन होगा लोअर साइड में, ठीक है। यहां भी चलो मार्क कर देता हूं,
अब सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड में भी हम 0 0 डाल सकते हैं, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, वहां से आएगा 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12, तो हमारा आ गया 0 इज लेस देन 12, यस ये भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी के लिए भी हमारा रीजन इसी साइड पे होगा। ठीक है, नाउ हमें दिया है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 होगा ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे आप कहीं भी चले जाएं, x 0 से बड़ा होता है। उसके बाद y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0 होता है बच्चों ओरिजिन से अपर साइड में, राइट ये। ठीक है, तो अब आप कॉमन रीजन सॉल्व सेट कीजिए, इस लाइन से इधर होना चाहिए, इससे उधर नहीं जा सकता, येलो वाली लाइन से नीचे की तरफ होना चाहिए, पता नहीं वहां पर येलो कलर दिखाई भी दे रहा है कि नहीं। ठीक है, और ओरिजिन से आप राइट में रहेंगे, ओरिजिन से ऊपर की तरफ रहेंगे, हमेशा जब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 हो, दोनों हो, तो समझ जाओ कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाना ही नहीं है। तो अब आप रीजन सेट करेंगे तो ये वाला रीजन आपका फिजिबल रीजन होगा, फिजिबल रीजन है। ठीक है, चले आगे। ओके, इस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, एक कलर तो बदलना पड़ेगा वरना तो पता भी नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है, एक और इस फिजिबल रीजन का एक कॉर्नर पॉइंट ये है, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस, चार कॉर्नर पॉइंट है, चारों के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0 0 4.0 2.3 एंड 0.4। सो फिर से वही, अब शायद आपने ये नोट कर लिया तो मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं यहां से, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा इधर का इरेज करता हूं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाते हैं यहां पर, कॉर्नर पॉइंट टेबल, तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, और यहां पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ जेड, या मेरे पास थोड़ी जगह के मैं आप पूरा लिखना कि वैल्यू ऑफ जेड, या फिर मैं ऐसा करता हूं ओरिजिन को थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं, तो ओरिजिन को तो लिख देता हूं यहां पर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट यहां लिख देता हूं, और यहां लिख देता हूं वैल्यू ऑफ जेड, और जेड कितना है हमारा, जेड है कहां चला गया, जेड इज इक्वल टू -3x + 4y, माइनस ऑफ 3x + 4y। ठीक है बच्चों, देखो जरा, पहला कॉर्नर पॉइंट हम अपना ओरिजिन ही ले लेते हैं, 0 0 0 0 को यहां पर डालेंगे, 0 + 0 0 ही आ गया यहां पर। अब अगला पॉइंट हमारे पास 4.0, x 4 y 0, अब डालो यहां पर x 4 y 0, तो आएगा माइनस का 12, ये कहां पर आया है 4.0 पे, जिसको हमने डी पॉइंट बोला है। ठीक है, नेक्स्ट है 2.3, यानी कि ई पे 2.3, x को 2 लेना है, y को क्या लेना है 3 लेना है, ले लेते हैं भाई, x को 2 लिया तो ये हो गया -6, प्लस में y को कितना लिया 3 प्लस में 12, ठीक तो कर रहा हूं ना, -6 + 12 क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 6। नेक्स्ट इज अगला पॉइंट है, 0.4 और इसका नाम क्या है a, 0.4, 0.4 को यहां डालिए, x को 0 तो ये 0 हो गया, 4 को डालेंगे तो 16 हो गया, ये 16 आ गया। ठीक है, करना क्या था हमें, ओहो ये तो लिखा ही नहीं कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज, चलो बुक से देख लेते हैं, मिनिमाइज करना है, क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है रिजल्ट को, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड यहां से कितनी आई है, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड आई है बच्चों -12, तो यहां लिख दीजिए एरो लगा के, थोड़ी जगह बनाते हैं, दिस इज मिनिमम वैल्यू, क्या है ये, मिनिमम वैल्यू है, यहां आपको लिखना है मिनिमम, मिनिमम राइट, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या है, -12 है, तो लिख दीजिए फाइनल आंसर अपना, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज कितनी, -12 एट कहां पर, 4.0, 4.0 यानी कि x 4 और y 0, 4.0, 4.0 पे आपकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। ऑलराइट, अगले वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं।